हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू बैकिंग पाठशाला। तो सबसे पहले फिलहाल फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बैंकिंग पाठशाला पे जो भी अभी तक क्लासेस रेगुलर चल रही हैं है ना, उससे डिफरेंट अब मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना बता दूँ, मेरा नाम राहुल शौरी है ना। अब कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते, क्योंकि बहुत टाइम से मैं बैंकिंग पाठशाला से दूर था, तो इसलिए जो ऑडियंस होगी शायद नहीं जानते होगी मेरे बारे में। फाइन, तो पहले सबसे पहले आपको एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ अपने बारे में, ताकि आप लोग जान लो कि मैं कौन हूँ। फाइन, तो मेरा नाम क्या है, राहुल शौरी है। मैंने ग्रेजुएशन 2016 में किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग। फाइन, उसी के साथ मैंने बैंकिंग की तैयारी की थी, क्योंकि सबके अंदर कीड़ा होता है ना, एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। पेरेंट्स का सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो ऐसे मेरे अंदर भी कीड़ा था कि हाँ गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो साथ साथ मैंने जब अपनी जॉब कर रहा था उसी के साथ मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन की, और 2017 में होने वाले मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, चाहे बैंकिंग हो चाहे इंश्योरेंस हो, वो सबको मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जितने भी एग्जाम्स थे सब मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किए, और कोचिंग नहीं थी क्योंकि मैं जॉब कर रहा था साथ साथ, और इसलिए कोचिंग का टाइम नहीं था, खुद पढ़ता था, और इसलिए सारे एग्जाम मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किए। फाइन, तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद जब क्लियर हो गए, सब खुश हो गए कि हाँ भाई क्लियर हो गए, फिर मैंने एक बैंक में ज्वाइन किया एज अ पीओ, है ना। आप लोग जिसके एग्जामिनेशन देते हो, बैंक पीओ बनना है, बैंक पीओ बनना है, तो उसके बाद मैंने बैंक पीओ ज्वाइन किया। फाइन, लेकिन और कहते हैं ना कि इंसान सेटिस्फाई नहीं होता उसको जो मिल जाए, तो जब बैंक पीओ ज्वाइन हुआ उसके बाद मुझे लगा यार कि हाँ यार, जो मैंने कुछ अचीव किया है अपने फर्स्ट ईयर में, सब कुछ निकाला है। इतने लोग होते हैं कि इतनी मेहनत करते रहते हैं लेकिन एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होते, है ना। ये सबके इशूज़ हैं, आज भी ये इशू है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता, है ना। तो मैंने सोचा कि हाँ यार, जो मैंने अचीव किया है, जो मैंने जो पैटर्न फॉलो किया, कैसे तैयारी की, वो लोगों को तब पहुँचाऊँ, है ना, ताकि लोग भी अपने एग्जामिनेशन क्लियर कर पाए। फाइन, तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ लोगों की हेल्प करी जाए। तो उस समय मैंने बैंकिंग पाठशाला शुरू किया था 2017 में, है ना। तो उस समय आई थिंक साउंड का इशू है, ओके मैं थोड़ा माइक की वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। हाँ, तो 2017 में बैंकिंग पाठशाला शुरू हुआ था। वो इसलिए शुरू हुआ था ताकि उन एस्पिरेंट्स की हेल्प की जाए जो बैंकिंग को निकालना चाहते हैं ना, बैंकिंग एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं लेकिन किसी भी रीजन की वजह से क्लियर नहीं कर पा रहे। फाइन, तो मेरे अंदर टीचिंग का जो कीड़ा होता है ना पहले से था, क्योंकि कॉलेज में भी मैं टीचिंग करता था, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे बैंकिंग पाठशाला शुरू करने का मौका मिला। और उस टाइम पर मैंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था ऑडियंस का, लोग भी खुश थे कि मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि बैंक के साथ साथ जॉब करना और बैंकिंग पढ़ाना दोनों बहुत मुश्किल था, इसलिए बीच बीच में क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाती थी, है ना। आप सबको ही पता होगा कि बैंकिंग में बहुत सारी बार मैंने कोशिश की कि वापस आऊँ, क्लासेस रेगुलर लूँ। ओके ठीक है, मेरे को तो साउंड का इशू है तो मैं थोड़ा तेज बोल देता हूँ, है ना। ओके, अभी साउंड क्लियर है? तो लोग जिनको साउंड के इशू आ रहे हैं आप एक बार कमेंट बताएंगे मुझे कि साउंड क्लियर आ रही है। आई थिंक अभी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, आवाज़ बढ़ाओ, अभी भी लोग कह रहे हैं। ओके, तो अभी आई थिंक आवाज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो अभी ठीक है, आवाज़ का इशू सॉल्व हो जाएगा थोड़ी देरों में। फाइन, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो बैंकिंग की क्लासेस है, ठीक, जो ऑलरेडी चल रही थी, अभी भी आप देख रहे होगे कि रीजनिंग और इंग्लिश की क्लास, सॉरी रीजनिंग और मैथ्स की क्लास चल रही है। फाइन, लेकिन अब मैं क्यों वापस आया हूँ? देखिए, आप लोग जानते हैं कि मैं बैंकिंग पाठशाला पे बहुत टाइम से नहीं था। फाइन, तो बैंक पीओ ज्वाइन करने के बाद अब मैंने रिज़ाइन भी किया। फाइन, तो वही डिस्कस करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ कि मैंने बैंक पीओ रिज़ाइन क्यों किया। फाइन, तो बैंक पीओ रिज़ाइन क्यों किया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। लोग भी कहते हैं जब ज्वाइन किया है तो छोड़ा क्यों, या छोड़ना ही था तो ज्वाइन क्यों किया, है ना। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था तो यही कह रहे थे कि हाँ, जब छोड़ना ही था तो दूसरों की सीट क्यों ख़राब की, है ना। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर कोई बैंक छोड़ता है जिसका मन नहीं होता बैंकिंग में, तो उससे किसी की सीट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। वो बैकलॉग वैकेंसी की तरह नेक्स्ट ईयर फिर आ जाती है, या जो लोग वेटिंग में होते हैं उनको मौका दिया जाता है। तो इसलिए ये कंसेप्शन हटा दीजिए कि जो भी सीट्स बर्बाद होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फाइन, तो चलिए, तो मैं अब रिज़ाइन क्यों किया मैं बताता हूँ, क्योंकि रिज़ाइन इसलिए किया। देखिए, अभी आपको पता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन बहुत है, है ना। बहुत सारे चैनल अवेलेबल है जो पढ़ाते हैं, ठीक, जो बताते हैं कि बैंकिंग में ये करना है वो करना है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा इशू ये होता है कि उनका बैंकिंग एग्जाम्स नहीं निकलते, है ना, उनके बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर नहीं होते।
क्यों नहीं होता है, अब उसके पीछे क्या रीज़न है, ये उनको भी नहीं पता, ना ही जो पढ़ाते हैं उनको पता है ना। तो ये चीज़ें जो आपको बता सकता है वो ऐसा ही बंदा बता सकता है जो बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर कर चुका है ना, जिसने खुद अपीयर हुआ है, जिसने खुद एग्जाम्स दिए हैं, वही आपको बता पाएगा कि हाँ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। फाइन, तो इसलिए देखिए मेरे पास अच्छी खासी जॉब थी, बैंक पीओ की अच्छी जॉब चल रही थी, लेकिन होता है ना कि क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा था, तो कई लोग मुझसे आज ही पूछते हैं कि सर ये एग्जाम कैसे क्लियर करें, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे पास आज भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि हाँ यार कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को वो कंटेंट नहीं मिल पा रहा, वो गाइडेंस नहीं मिल पा रही जिनको चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हाँ यार बैंक की जॉब ठीक है ना, लेकिन दूसरों के लिए कुछ करने का जो मौका होता है ना वो बार बार सबको नहीं मिलता, और मैं लकी समझता हूँ अपने आप को कि हाँ मैं इतने लोगों की हेल्प कर पाऊंगा अगर मैं बैंक की जॉब छोड़ पाऊंगा। तो डिसीजन टफ था, लेकिन मैंने बोल्ड मूव लिया, मैंने बैंक की नौकरी छोड़ी और इसलिए वापस आया हूँ ताकि उन लोगों की हेल्प कर पाऊँ जो वाकई में बैंक में जाना चाहते हैं, जिनका सपना है कि वो बैंकिंग इंडस्ट्री में पीओ की जॉब करें, है ना, बहुत लोगों का सपना है। फाइन, तो इसलिए मैं वापस इसलिए आया हूँ ताकि उन लोगों की हेल्प कर पाऊँ, है ना। तो आप लोगों को पता है कि इतने सारे टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो आपको बताएंगे ये पढ़ लो वो पढ़ लो, है ना, लेकिन आपको क्या करना है। अगर सपोज मैं स्टूडेंट हूँ जिसको बैंकिंग का ABC नहीं पता, और मैं सोचता हूँ कि हाँ मुझे बैंक में नौकरी करनी है, अगर मैं आऊँ यूट्यूब पे, हाँ मैं देखूँगा कैसे पढ़ना है, तो वो मुझे नहीं मिल पाएगा, है ना, ये सच्चाई है, सब लोग जानते हैं। तो इसलिए मैं यूट्यूब पे वापस आया हूँ, बैंकिंग पाठशाला पे वापस आया हूँ, ताकि मैं ऐसे लोगों की हेल्प कर पाऊँ कि जो बैंकिंग में आना तो चाहते हैं लेकिन बैंकिंग का ABC भी नहीं जानते, है ना, उनको ये पता ही नहीं शुरुआत कहाँ से करनी है और शुरुआत करनी है तो कैसे करनी है। फाइन, क्योंकि हर जगह आपको जितने भी टीचर्स होंगे वो ये बता देंगे बेटा ये कोर्स है, ये पढ़ लो, ऐसे ऐसे पढ़ लो, इतने टाइम में ये कर लो, लेकिन करना कैसे है, और अगर मुझे मैथ्स नहीं आती, अगर मेरा मैथ्स में टच नहीं है, तो मैं कैसे बैंक में जा सकता हूँ, ये सब बातें कौन बताएगा, है ना। तो इसलिए मैं वापस आया हूँ बैंकिंग पाठशाला पे, और अब से मैं फुल टाइम बैंकिंग पाठशाला पे ही अवेलेबल हूँ अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। फाइन, तो इसलिए क्योंकि मुझे सब कुछ पता है कैसे अपीयर होना है, क्या चीज़ पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, जिनका मैथ्स पे बिल्कुल टच नहीं है वो लोग कैसे बैंक में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बैंकिंग पाठशाला पे रेगुलर बेसिस पे आप लोगों की हेल्प के लिए क्लासेस कंटिन्यू करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल कोई अनाउंस नहीं कर रहा कि मैं क्लासेस इस दिन से स्टार्ट करूंगा या जो भी आने वाला अपकमिंग एग्ज़ाम है उसकी मैं तैयारी करूंगा, वो सब तभी पॉसिबल है जब आप लोग चाहोगे, है ना, क्योंकि अगर आप लोग ही नहीं चाहोगे तो मैं क्यों पढ़ाऊँ। फाइन, पता चला मैं ज़बरदस्ती पढ़ाई जा रहा हूँ लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसलिए आप लोग जब इंटरेस्ट दिखाएंगे कि हाँ हमें राहुल शोरी सर से पढ़ना है, तब मैं आपके बीच में आके आपको रेगुलर बेसिस पे तैयारी करवाऊंगा। फाइन, तो आपको पता ही है कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम है IBPS, फाइन वो है सबसे बड़ा एग्ज़ाम है बैंकिंग इंडस्ट्री का, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, और अभी है टाइम, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन हाँ सफिशेंट टाइम है, 2 महीने 2.5 महीने सफिशेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। फाइन, तो इसलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जितना जल्दी बताएंगे, जितना जल्दी डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ आपको मेरे से पढ़ना है, हाँ मेरे से क्लासेस चाहिए, अगर जब मुझे लगेगा कि हाँ ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा है, ऑडियंस चाहती है कि मैं उनके बीच में आके उनको पढ़ाऊँ, अपने जो एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करूँ ताकि उनके एग्जामिनेशन क्लियर हो, तो हाँ मैं ज़रूर आपके बीच में आऊँगा और आपकी डेली बेसिस पे ज़रूर क्लासेस लूँगा। फाइन, तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फाइन, तो ये आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी क्लासेस लूँ। फाइन, तो कमेंट कीजिए, कहीं भी कमेंट कर दीजिए, फेसबुक ग्रुप पे कमेंट करिए, बैंकिंग पाठशाला यूट्यूब पे कमेंट करिए, ठीक, कहीं भी आप कर सकते हैं जहाँ आपको सूटेबल हो, लेकिन आप कमेंट ज़रूर करिए, आपके कमेंट ही बताएंगे कि हाँ बैंकिंग पाठशाला पे क्लासेस शुरू करी जाए या नहीं करी जाए। फाइन, तो मुझे बस इतना ही कहना था कि मैं जो जॉब छोड़ के आया हूँ हेल्प करने के लिए आया हूँ, तो आप मेरा बेनिफिट उठाइए, ठीक है, आप लोग पूरा बेनिफिट उठाइए कि हाँ अगर कोई बंदा अवेलेबल है जो सब कुछ जानता है बैंकिंग के बारे में, जो सब कुछ कहते हैं ना कि बता सकता है कि जो कोई नहीं बता सकता, तो आप उसका यूज़ करिए, ठीक, फ़ायदा उठाइए ना, आपको अपनी जॉब चाहिए बस। फाइन, तो
आप कमेंट ज़रूर करिए। फाइन, तो मुझे बस इतना ऐसा ही कहना था, शॉर्ट वीडियो था इसलिए मैं आपके बीच में लाइव आया था ताकि आपको एड्रेस कर पाऊँ, आपके जो भी ग्रीवियंसेज हैं वो एड्रेस कर पाऊँ। फाइन, अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं मैं 2 मिनट वो भी देख लेता हूँ, अगर आपके कुछ कमेंट्स वगैरह हैं, आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो ठीक, वरना मैं अपना वीडियो यहीं पेंड कर। पर कैसे तैयारी भी करनी है ना, इंपॉर्टेंट क्या है, तैयारी, क्योंकि आप लोग सब एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग को एक बैंक एग्जाम क्लियर करने हैं, है ना, तो इंपॉर्टेंट तैयारी। बाकी जो एक्सपीरियंसेस रहे, मैंने तैयारी कैसे की और क्या क्या मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की, वो सब मैं आपको आने वाले दिनों में ज़रूर बताऊँगा, लेकिन शर्त वही है, तभी बताऊँगा जब आप रेडी होंगे, जब आप चाहोगे कि हाँ मैं आपको पढ़ाऊँ, ठीक है। तो चलिए इसी साथ मैं वीडियो में एंड करता हूँ। आप कमेंट बॉक्स जरूर पे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप मेरे से क्लासेस चाहते हैं कि नहीं, ठीक, आपके कमेंट से ही पता चलेगा कि हाँ मैं नेक्स्ट बैच जो भी है IBPS के लिए कब शुरू कर पाऊँगा। फाइन फ्रेंड्स, तो चलिए होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप ज़रूर कमेंट करेंगे और आपके मैसेज मेरे तक पहुँचेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे था ये वीडियो मैं एंड करता हूँ, बहुत जल्द वापस मिलेंगे, ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।